तस्वीरें हरियाणा के करनाल की देख रहे हैं, जहां पे यहां सीआई की टीम को एक बड़ी कामयाबी जरूर मिली है। कामयाबी क्या है वो हम आपको बता देते हैं। 7 मोटरसाइकिलें, 1 एक्टिवा और 1 ये कार, इन जो आरोपी हैं इन्होंने गिरफ्तार आरोपियों को किया गया है। इनसे ये चीज़ें बरामद हुई हैं। यूपी के ये रहने वाले हैं, लगभग 4 साल पहले भी ये जेल में गए थे, जेल काट रहे थे फरवरी में, अब ये वापस आए थे। आते ही इन्होंने 2 महीने लगभग हुए हैं फिर ऐसी घटना को अंजाम दे दिया। तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से जो मोटरसाइकिलें हैं, 7 मोटरसाइकिलें, 1 एक्टिवा और 1 कार, इन्होंने किस तरह से चोरी की वारदात को बड़ी को अंजाम देते थे, किस तरह से अंजाम देते थे वो अभी बताएंगे। क्या बात सिपाही हैं जिन्होंने इस वारदात को अंजाम देने वालों को कहीं ना कहीं हिरासत में लिया है, उनकी गिरफ्तारी की है। तस्वीरें हरियाणा के करनाल की है, सीआई की टीम की तस्वीरें दिखा रहे हैं। पल पल की अपडेट रहेगी, खबर को ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। इस तरह से पहले भी एक बहुत सी ऐसी जो वारदातें हैं उनको अंजाम देने वालों को शिकंजा कर चुके हैं, पकड़ चुके हैं, लेकिन इस तरह के जो लोग हैं, आरोपी हैं, वो थमने का नाम नहीं ले रहे, रुकने का नाम नहीं ले रहे। आज वहीं चलते एक बड़ी कामयाबी सीआई की टीम को मिली है। जो रोहतास हैं, सीआई टीम इंचार्ज हैं, उनसे जानेंगे वो क्या कहना चाहते हैं, उसे ही जानेंगे। मेरे साथ तस्वीरों में बने रहिएगा। एंटी थेफ्ट शाखा के जो इंचार्ज हैं, इंचार्ज सब क्या कुछ बताना चाहेंगे, क्या कुछ ये मामला था? ये हमारा करनाल में व्हीकल चोरी वारदात को रोकने के लिए एक एसपी साहब ने व्हीकल एंटी व्हीकल थेफ्ट स्टाफ बना रखा है, जिसका इंचार्ज मेरे को लगा रखा है। हमारी टीम ने 12 तारीख को 2 अभियुक्त हैं, एक ओम प्रकाश और प्रकाशा और दूसरा उसका भाई राजेंद्र और पलटू, ये कड़खा गांव के रहने वाले हैं, इनको हमने 12 तारीख को गिरफ्तार करके पुलिस रिमांड लिया। आज तक का 3 दिन का पुलिस रिमांड लिया। दौरान रिमांड हमने इनसे 1 कार इंडिगो जो यहाँ से मीराघाटी के पास से प्रीतम नगर से चोरी हुई थी और 5 मोटरसाइकिलें बरामद करी, और 1 आरोपी है दीपक जो वहाँ का यूपी तीतरों का रहने वाला है, उसको हमने गिरफ्तार कराया, उससे हमने 4 मोटरसाइकिलें बरामद करी। टोटल हाँ, जो ये ओम प्रकाश और राजेंद्र हैं इनके खिलाफ कम से कम भी 70-80 चोरी के ही मुकदमे हैं पहले जिनमें जेल में रहे हैं। अभी ये फरवरी में ही जेल से बाहर आए हैं दोनों भाई, और आते ही इन्होंने एक गाड़ी चोरी करी। गाड़ी चोरी करके इसमें इन्होंने इस गाड़ी में फर्जी नंबर लगा के रामनगर है अपना वहाँ पालनगर से एक इन्वर्टर बैटरी की दुकान वहाँ से पाड़ी, और एक निसिंग के पास बस्तली गाँव है वहाँ से भी एक दुकान इन्होंने पाड़ी है। बरामदगी क्या क्या हुई है इनसे? बरामदगी इनसे 1 कार और 4 मोटरसाइकिलें तो हमने बरामद कर ली हैं, और जो आज इनको जेल भेजेंगे, जो रामनगर का और निशिंग का जो मुकदमा है उन्हें प्रोडक्शन वारंट पर ले आ गए दोबारा। नहीं, इनका कोई साथी नहीं, दोनों भाई हैं, खुद ही चोरी करते हैं, तीसरा बंदा किसी को लेते हैं, ये पानीपत में इसराना के पास कालखा गांव। टोटल कितनी एफआईआर है जो दर्ज थी जिनका खुलासा हुआ? जो ये सारी मतलब 10 की 10 एफआईआर है, 10 एफआईआर है। और इससे पहले भी एक और गिरोह भी पकड़ा है अपने शख्स जो यूपी का, वो क्या मामला है? वो पहले गिरोह पकड़ा था, वो जो गाड़ी चोरी होती थी हमारे करनाल से, कई गाड़ियां चोरी हुई हैं उनमें हमने एक चोर पकड़ा है, एक ब्रेजा गाड़ी की कामयाबी मिली थी हमने। अगर उनमें 2 चोर हैं जो वो मुजफ्फरनगर यूपी के रहने वाले हैं, उनका हम पीछा करे हैं, वो मिल गए तो और भी कई गाड़ियां। उस दिन के बाद हमारे करनाल से गाड़ी चोरी का भी लड़का पकड़ा हुआ कोई? हाँ, एक यूपी का भी। उससे क्या बरामदगी हुई है? उससे 4 मोटरसाइकिल, 3 मोटरसाइकिल गए। 7 सेक्टर से जो ब्रिजा चोरी थी उसकी रिकवरी? नहीं, सेक्टर 7 वाली ब्रिज से, एक इससे सेक्टर 12 से जाट धर्मशाला के पास से एक ब्रिजा चोरी हुई थी, वो 9:10 की रात को वो बरामद हुई है। सर, जो मामले ज्यादातर चोरी? नहीं, ये चोर ही है, चोरी ही करते हैं। और सर, जो चोरी के ज्यादातर मामले आते हैं, क्या कमी जो वाहन चालक है उनकी तरफ से रहती है जो दर्ज यानी कि चोरी हो जाती है गाड़ी? हाँ सर, जो व्हीकल है मोटरसाइकिल, तो हम कई बार आप लोगों के माध्यम से कह चुके हैं भाई, अगर जिस मोटरसाइकिल के अगले पहिए में जो लॉक है ना, वो हमने चोरी नहीं सुनी कोई, मेरी अगले पहिए मैंने लॉक लगा रखा था, अगर लॉक लगा रहा है उन्होंने लॉक नहीं लगाया तो है वह कि जिसने लॉक लगा रखा है उनको मैंने श्योर हूँ, मैंने लॉक लगा दिया था, वो चोरी नहीं हुई कोई। ऐसा वाहन इन्होंने बेचे भी हैं? नहीं, अब वाहन ये तो
अभी ताजी ही चोरी है, अभी बेच नहीं पाए, अभी फरवरी में बारह है। पहले तो ये काफी मुकदमे अंदर रह चुके हैं। बरामद कहाँ से की गई है? ये पानीपत से। तो कौन कौन से ब्रांड की सर बाइक है? हमेशा आप स्प्लेंडर और बजाज बताते हो। अब ये तो आपके सामने ही है जी सारी। ये भी स्प्लेंडर और बजाज है। हाँ। ये वाली गाड़ी है सर, ये इंडिगो गाड़ी। तो इनकी मनपसंद ब्रांड अगर कहा जाए तो स्प्लेंडर है, हीरो स्प्लेंडर। नहीं, मनपसंद स्प्लेंडर की मार्केट ज्यादा, स्प्लेंडर मार्केट है, मार्केट में ज्यादा है, ज्यादा हुई तो ज्यादा चोरी होगी। जल्दी स्पेयर पार्ट तो किसी का बेच लो अगर बिकेगा तो, बाकी स्प्लेंडर ज्यादा मार्केट में है भी ज्यादा। कोई नंबर अपना देना चाहेंगे, कोई चोरी की जानकारी देना चाहे, किसी गिरोह के बारे में जानकारी? हाँ, अगर कोई किसी कोई मतलब गिरोह की जानकारी देना चाहे तो मेरा नंबर है 9416658390। मैं व्हीकल थेफ्ट इंचार्ज हूँ। अगर कोई भी किसी भी टाइम मेरे को, तो ये जो बाइक चोरी हुई है, अब जिन वाहन चालकों के बाइक चोरी होते हैं उनको कैसे जानकारी मिलेगी? उनको हमने FIR में उनका नंबर है, हम उनको सूचित कर दिया, वो अपनी की सुपरदारी कराएंगे। हाँ, सबके मालिक में, सबको सूचित कर दिया, सबके मालिक।